नमस्कार दोस्तों, न्यू टारगेटेड अब यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करते हैं। दोस्तों आज हम लेके आए हैं वो सिग्नल ऐप और व्हाट्सएप। व्हाट्सएप की नई पॉलिसी के कारण व्हाट्सएप को अनइंस्टॉल करें दोस्तों, और सिग्नल ऐप की नई पॉलिसी के कारण इन्हें इंस्टॉल करें दोस्तों। दोस्तों आज हम बता रहे हैं आपको व्हाट्सएप और सिग्नल ऐप के मध्य। दोस्तों देखो, व्हाट्सएप एक नई पॉलिसी के कारण 8 फरवरी 2021 को व्हाट्सएप का नई पॉलिसी लागू हो जाएगी दोस्तों, जिससे अकाउंट अपने आप ही डिलीट हो जाएगा। सिग्नल ऐप और टेलीग्राम दोस्तों ये एक बेहतरीन ऐप है और अपनी सिक्योरिटी के मुताबिक ये अपने डाटे को खुद ही रखते हैं और खुद के पास भी नहीं रख सकते दोस्तों। देखो दोस्तों, सिग्नल ऐप का सिक्योरिटी का तारीफ व्हाट्सएप के को फाउंडर ब्रायन एक्टन भी कर चुके हैं, और ब्रायन एक्टन 2017 में व्हाट्सएप को अलविदा बोल दिया था दोस्तों। इन्होंने 2017 में व्हाट्सएप को अलविदा यानी इन्होंने व्हाट्सएप को छोड़ दिया था दोस्तों। और इसी दौरान सिग्नल में $59 मिलियन की फंडिंग देकर यानी फाउंडेशन फंडिंग दी इन्होंने, और अमेरिका खुफिया सूचना लीक करने वाले जाने माने वेहिक लोबर एडवर्ड स्नोटेन ने भी सिग्नल ऐप को बेहतर बताया। और सिग्नल व्हाट्सएप के मुकाबले इसलिए भी अधिक सुरक्षित है क्योंकि व्हाट्सएप के सिर्फ मैसेज और कॉल ही एंड टू एंड क्रिप्टेड होते हैं, और जबकि सिग्नल का मेटा डाटा भी एंड टू एंड क्रिप्टेड होता है। ऐप स्टोर पर दी गई जानकारी के मुताबिक सिग्नल ऐप अपने यूजर्स को कोई भी डाटा स्टोर नहीं करता, और सिग्नल ऐप सिर्फ कॉन्टैक्ट नंबर यानी मोबाइल नंबर लेता है, और क्योंकि इसी के जरिए आपका सिग्नल अकाउंट ओपन होता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि व्हाट्सएप यूजर्स से 16 तरह की जानकारी लेता है। ऐप को इतने लोग अचानक से इस्तेमाल करने लगे उसका सर्वर ही डाउन हो गया। इसके बारे में खुद सिग्नल ने ट्वीट करके कहा कि अधिक यूजर्स होने के कारण वेरिफिकेशन कोड में दिक्कत आ रही है, हालांकि इसके लिए टीम काम कर रही है। सिग्नल ऐप एप्पल के ऐप स्टोर पर टॉप फ्री ऐप की लिस्ट में सबसे ऊपर आ गया है। सिग्नल ऐप को व्हाट्सएप के सबसे बड़े विकल्प के रूप में देखा गया है। व्हाट्सएप के विकल्प के तौर पर टेलीग्राम का नाम भी आ रहा है, लेकिन सिक्योरिटी और परमिशन के मामले में सिग्नल ने सबसे पीछे छोड़ दिया। और आइए आप इस बारे में जानें विस्तार से दोस्तों। जरिए आप वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं, फोटो वीडियो आदि शेयर कर सकते हैं, ग्रुप भी बना सकते हैं, लेकिन ग्रुप में सिर्फ 150 लोगों को ही जोड़ा सकता है। सिग्नल ऐप के साथ एक दिक्कत है, यह है कि इसका डाटा गूगल ड्राइव या किसी अन्य क्लाउड पर स्टोर नहीं होता। ऐसे में यदि आपका फ़ोन खो गया हो तो आप चैट का बैकअप नहीं ले पाएंगे। सिग्नल ऐप में ग्रुप बनाकर आप सीधे तौर पर किसी को उसमें ऐड नहीं कर सकते। जिन्हें आप ऐड करना चाहते हैं उनके पास पहले नोटिफिकेशन जाएगा, उसके बाद वे चाहेंगे तब ही आप उन्हें ग्रुप में ऐड कर पाएंगे। इसमें भी डिलीट और एवरीवन भी फीचर हैं। इतना सिक्योर और है सिग्नल ऐप दोस्तों। सिग्नल ऐप भी व्हाट्सएप की तरह एक मल्टीमीडिया मैसेजिंग ऐप है, जिसमें आप विंडो iOS मैक और एंड्रॉयड डिवाइस में इस्तेमाल कर सकते हैं। सिग्नल ऐप का वास्तविक सिग्नल फाउंडेशन है, और सिग्नल मैसेंजर LLC और सिग्नल मैसेंजर LLC के पास और यह एक नॉन प्रॉफिट कंपनी है, और ऐप को अमेरिकन क्रिप्टोग्राफर मॉक्सी माइक्रोन ने तैयार किया था दोस्तों। और यह फिलहाल सिग्नल मैसेंजर ऐप के CEO हैं, और सिग्नल ऐप की टैगलाइन